यदि आपके घर में कोई मेहमान आए और आप उसकी खूब खातिरदारी करो, आइए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा, बैठिए, नाश्ता लेके आओ, चाय लेके आओ, मीठी मीठी बातें करी उससे, हंस हंस के उससे बातें करी, वो मेहमान दोबारा आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा। क्यों? क्योंकि उसका सम्मान किया है, है ना? कोई मेहमान आया, आपने उसकी तरफ ढंग से भी नहीं देखा, उसे बैठने को भी नहीं कहा और खाने वाने को भी नहीं पूछा, चाय वाय भी नहीं पिलाई उसको, वो कितनी देर टिकेगा? बोलिए ना, कितनी देर टिकेगा? और दोबारा आएगा? अरे पानी को भी नहीं पूछता है, बेकार है उसके यहाँ जाना। तो ऐसे होगा ना? यानी हम जिस चीज़ का सम्मान करते हैं, जिस चीज़ को हवा देते हैं, जिस चीज़ का पालन पोषण ज़्यादा करते हैं, वो चीज़ दोबारा बार बार मिलती है। और जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, वो चीज़ दोबारा नहीं मिलती है। चर्चा चल रही है, कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्प्रहा, कि कर्म अपने साथी कर्म का हित चाहता है। तो जीव क्या कर रहा है? कर्म का सम्मान कर रहा है। किसका सम्मान कर रहा है? कर्म का। शरीर का सम्मान करना किसका सम्मान है? अरे बोलिए ना, शरीर मिला है, किसके उदय में मिला है? कर्म के उदय में मिला है। आप कर्म के उदय में मिली हुई चीज़ का सम्मान करोगे तो दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सम्मान किया है तो मिलेगी। अब सम्मान का मतलब, जब किसी का सम्मान, मान लो यहाँ आते हैं बहुत से लोग, यदि उनका सम्मान किया जाता है तो माला पहनाई जाती है, लेकिन लोग हार चैन अपने आप ही पहन लेते हैं, अपना सम्मान अपने आप ही कर लेते हैं, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, तो अपना सम्मान खुद ही कर लेते हैं। हार पहना दी शरीर को, चैन पहना दी, शरीर ने मांगा था क्या? नहीं। किसका प्रेम है? जीव का प्रेम शरीर से है। शरीर का प्रेम जीव से है क्या? नहीं है। शरीर जीव को नहीं चाहता है, जीव शरीर को चाहता है। तो ऐसे दिन भर शरीर का सम्मान करो, उसे बढ़िया नहलाओ, खूब अच्छे अच्छे साबुनों से, ये वो, इसका ही ध्यान करते रहो, इसका ही सम्मान करते रहो, तो क्या मिलेगा? शरीर ही मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये भी बड़ी विडंबना है, यदि इस शरीर का ही सम्मान करते रहे तो शरीर आने वाले समय में जो मिलेगा, जो शरीर, वो इससे खराब मिलेगा। और यदि आपने आत्मा का सम्मान किया, आत्मा का ध्यान किया, तप किया, त्याग किया, तो आने वाले समय में शरीर इससे सुंदर मिलेगा, इससे बढ़िया मिलेगा। शरीर प्राप्ति की इच्छा से त्याग नहीं किया था, शरीर प्राप्ति की इच्छा से तपस्या नहीं करी थी, तपस्या करी थी आत्मा को लक्ष्य बना करके, तो शरीर अपने आप अच्छा मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने शरीर को ही लक्ष्य बना लिया है तो वो शरीर और ज़्यादा बेकार मिलने वाला है, बस ये समझ लो। कौन सी गति का मिलेगा, कहाँ का मिलेगा, कैसा मिलेगा, कुछ नहीं पता है। तो कर्म कर्म हिताबंधी, जैसे किसी का सम्मान करते हैं तो वो टिक जाता है, ऐसे ही हम कर्मों का सम्मान करेंगे तो और कर्मों को बुला के लाएंगे। चल वहाँ बहुत बहुत सम्मान होता है अपना, हाँ लोग देखो आप खुद का तो ध्यान रखते नहीं है, हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, चलो उसके यहाँ चलते हैं। तो एक कर्म दूसरे को, दूसरे कर्म तीसरे को, दिन भर कर्मों को बुलाते रहते हैं, दिन भर कर्मों को बुलाते रहते हैं। आत्मा पर बंधन बढ़ता रहता है और आत्मा पतन की ओर जाती रहती है। किसका सम्मान करने से? कर्मों का। किसका सम्मान? कर्मों का। अब ये कर्म किस रूप में उदय में आते हैं? एक तो कर्म का नौ कर्म। अब कर्म तो हमारी पकड़ में आते नहीं हैं, हम सोचें कि हमें कर्म दिखाई दे, हम उसे पकड़ें, हम उसे निकाल दें, हम उसे धो दें, कोई पानी मिल जाए, कोई बढ़िया सी एसिड मिल जाए कि कर्म को धो दिया जाए, नहीं नहीं होगा।
कर्म नौकर्म के रूप में पकड़ में आता है, शरीर मिला है नौकर्म है। अब शरीर मिला है तो कर्म पर यदि काम करना है तो कर्म पर काम नहीं होगा, काम होगा नौकर्म पर, काम होगा नौकर्म पर। घर है, परिवार है, ये क्या है, ये सब नौकर्म है। हम जो कुछ सामने वाले के साथ कर रहे हैं तो वो कर्म हमारे पास आ रहा है, काम किया जा रहा है नौकर्म पर और कर्म आ रहा है आत्मा में। बात समझ में आई? गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, दुकान है, मकान है, जो 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 क्रिया हम उनके साथ में करते हैं वैसा वैसा कर्म हमारे पास आ जाता है। यदि हम राग रूप करते हैं तो भी कर्म आ जाता है, और यदि हम द्वेष रूप करते हैं तो भी कर्म आ जाता है। एक कर्म, जैसे एक बीज जब जमीन में डालो तो बदले में 20 बीज आते हैं। एक पेड़ में मान लो एक किसान ने एक गेहूं का दाना डाला तो वो एक गेहूं का दाना जो फसल चढ़ेगी उसकी, उसमें कम से कम 20 बीज, तो कितने बीज आएंगे, कम से कम 20 बीज आएंगे, यानी कि 20 गुना कर दिया। एक बीज डाला तो 20 गुना कर दिया। ऐसे ही एक कर्म का उदय आता है तो बदले में हम 20 कर्मों का बंद कर लेते हैं। किसके माध्यम से? राग और द्वेष के माध्यम से। राग किया, यदि शरीर को तैयार किया तो बिना राग के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, शरीर से राग है इसीलिए किया है। तो अब ये इसके जो कर्म बांधा है इसका फल भी आएगा, सामने वाले के लिए किया या किसी के लिए भी किया, निमित्त तो सामने वाला है और काम हम पर हो रहा है। यदि आपने सामने वाले की सेवा करी है तो पुण्य कर्म उसके पास नहीं आएगा, किसके पास आएगा? तुम्हारे पास आएगा, निमित्त सामने वाला है। तुमने सामने वाले पर क्रोध किया है तो पाप किसके पास आएगा? उसके पास, ये तुमने किया तो तुम्हारे पास। अरे बोलिए ना, हमारे पास। यदि सामने वाली चीज़ से हमने मोह किया, राग किया, द्वेष किया है, मान किया, मायाचारी की, लोभ किया, तो ये चीज़ तो निमित्त है। अब जैसे सोना है, लोग सोने से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, और सोना खरीद कर लाए तो सोने को कुछ हो रहा है कि तुम्हारे पास आकर? नहीं हो रहा। खुश कौन हो रहा है बोलिए ना, खुश कौन हो रहा है, हैं? आप हो रहे हैं। सोना भी को, सोने को भी तो खुश होना चाहिए, नहीं हो रहा है। हाँ भाई, यही तो बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप किसी को रोज जैजनेन्द्र करो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, और यदि वो आपको जैजनेन्द्र ना करे तो आप करोगे? नहीं करोगे, छोड़ दोगे? हाँ, बोलते नहीं है, जवाब ही नहीं देता है, हम कहाँ तक करें? कोई हम पत्थर दीवार से थोड़ी जैजनेन्द्र करेंगे, कुछ रिएक्शन ही नहीं देता है, यही होगा ना। आप किसी के जन्मदिन पे गिफ्ट देके आओ, फिर उसकी शादी में गिफ्ट देके आओ, फिर उसके बच्चे के जन्म में गिफ्ट देके आओ, और फिर तुम्हारे यहाँ शादी हुई और वो तुम्हें गिफ्ट ना दे तो अगली गिफ्ट उसके यहाँ जाएगी? अरे बोलिए ना, जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों? व्यवहार दो तरफ से चलता है, प्रेम दो तरफ से होता है। हमने तुम्हें गिफ्ट के रूप में प्रेम दिया है तो तुम भी वापस करो, तो हम दोबारा देंगे तुम्हें, और तुमने नहीं दिया है तो अगले बार हम भी तुम्हें नहीं देंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, आप सोने से प्रेम करते हो? सोना चांदी है ना, सोना चांदी, सोने का मतलब ये वाला सोना नहीं, स्लिप वाला सोना नहीं, गोल्ड वाला सोना, प्रेम करते हो, मोह करते हो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, करते हैं। जिसके पास नहीं है वो भी करता है, आ जाए तो करते ही करता है, और नहीं है तो उसके लेने की वांछा रखता है, प्रेम तो है ना। अब वो आप उसे एक बार पहनो, उसे दो बार पहनो, उसे बढ़िया प्यार करो, बढ़िया उसके प्रति खूब भावनाएं बनाओ, और वो आपके प्रति भावना बनाता है क्या? नहीं बनाता है। फिर भी आपका प्रेम उस पर बना रहता है कि छूट जाता है? अरे बोलिए ना, बना रहता। क्यों? ये तो एक तरफा हो गया, उसने तो आपको घास भी नहीं डाली और आप लगे उससे प्रेम करने,
कोई गाड़ी से कर रहा है, कोई मकान से कर रहा है, कोई कपड़ों से कर रहा है, कोई दुकान से कर रहा है, कोई किसी से कर रहा है, और वो आपको घास भी नहीं डाल रहा है। यदि कोई किसी की चैन छीन कर ले जाए तो कौन रोता है? चैन रोती है या जिसके पास से गई है वो रोता है? भाई प्रेम तो दो तरफा होता है। यदि जब लड़की की विदा होती है तो लड़की भी रोती है, उसकी माँ भी रोती है, दोनों रोते, एक नहीं रोते। भाई लड़की जा रही है तो वो इसलिए रो रही है, और उसके पास से जा रही है वो इसलिए रो रही है। अब यहाँ चैन गई है तो चैन को भी तो रोना चाहिए। मैं बात ये बताना चाहती हूँ कि भूल कौन कर रहा है, जीव या पुद्गल? भूल कौन कर रहा है? तुम्हें गाड़ी ने अपना माना या तुमने गाड़ी को अपना माना? हैं? कभी चैन ने कहा अरे ये मेरा मालिक बहुत बढ़िया है, अरे मेरा स्वामी बहुत बढ़िया, कभी कहा चैन ने? और जिसके पास रहती वो तो तारीफ करता, मेरा मेरी चैन बहुत बढ़िया है, प्योर गोल्ड है, हाँ मेरा हार बहुत बढ़िया है, वो तुम्हारी तारीफ ही नहीं करता और तुम उसकी तारीफ करती रहती। तो एक काम करो, व्यवहार दो तरफ से चलता है, लेकिन यदि किसी जीव के साथ व्यवहार चलाना हो तो आदमी अहंकार दिखाता, अच्छा जब वो मेरे से नहीं बोलता तो मैं क्यों बोलूँ, जब उसने मेरी तारीफ़ नहीं करी तो मैं क्यों उसकी तारीफ करूँ। लेकिन अजीब और पुद्गल के साथ में, जड़ के साथ में कितना मोह कर रहा है, जबकि वो तुमसे जरा सा भी मोह नहीं कर रहा है। कर्म कर्म हिताबंधी, ये है मोह का प्रभाव और कर्मों का प्रभाव। कर्म इकट्ठे करने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए, नरक जाने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए, दुर्गति में जाने के लिए कुछ तो निमित्त चाहिए। ये निमित्त हैं कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है और हम उसके लिए कोर्ट कचहरी, यदि जरा सी कोई जमीन ले तो ले, जरा सा सोना चांदी रख तो ले, कोई दूसरा तो छोड़ो अपना भाई भी रख ले तो उसे भी नहीं छोड़ने वाले हैं। ये है नरक जाने के निमित्त, ये है सारे निमित्त हैं ये। अब वही चीज़ यदि किसी निर्मोही के पास में, भगवान के पास में तुम कुछ भी रख दो, वहाँ कोई मोह नहीं, भगवान को कोई नहीं, जरा सा भी मोह नहीं आने वाला। और किसी रागी के पास रख दो तो वो तो इच्छा ही करेगा कि और मिल जाए और मिल जाए। जीवो जीव हितस्प्रहा, कर्म कर्म को बांधने का प्रयास करता है। हर जो है वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता, चाहे कोई हो, मनुष्य क्यों ना हो, एक मनुष्य है। उसके बाद उसकी भी, उसका भी भाव होता है कि मेरे घर में नन्हे मुन्ने आए, मेरी परंपरा बढ़े। अब वो कैसे बनेगी, क्या होगा, वो बात की बात है, लेकिन भाव तो उनके भी रहते हैं। और जिनके घर नहीं रहते हैं उनके घर टेंशन भी होती है। अब आप देखिए, जितने संसार में फल हैं, जितने भी फल हैं, चाहे सेब हो, केला हो, अनार हो, आम हो, कितने भी फल हों, सबके साथ में बीज आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया सेब के अंदर बीज है कि नहीं? एक सेब के अंदर कितने बीज हैं? दस बीज, दस तो निकल ही जाते होंगे, पांच दस तो निकल ही जाते होंगे। यानी एक सेब अपने साथ में दस को और जन्म देने की परंपरा को साथ लेकर आया है। अब वो हो ना हो वो बात की बात है, उसे योग्य वातावरण, योग्य स्थान मिल पाए ना मिल पाए ये बात की बात है, लेकिन वो सेब लाया तो है अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का। चाहे तुम्हारे तोरी हो, लौकी हो, नींबू हो, मतलब चाहे कोई सब्जी हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के अंदर बीज आता है। हर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता, हित चाहता है अपनी परंपरा का। अभी जितने जीव जंतु हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है, ये अपनी परंपरा बढ़ा रहे कि नहीं बढ़ा रहे हैं? संसार का कर्म का यही है, इसीलिए यहाँ आचार्य महाराज ने लिखा है कर्म कर्म हिताबंधी। जो संसार बढ़ रहा है ना, वो इसीलिए बढ़ रहा है कि कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव को अपने हित का ध्यान नहीं है, जीव सोया हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है, फिर कर्म अपना काम कर रहा है। अब विषापहार स्त्रोत्र में
एक बड़ी अच्छी लाइन आई है, जीव कर्म को कर्म जीव को जगह जगह ले जाता है, कर्मों की स्थिति में स्थित होकर कष्ट उठाता है। नाव खेवटिया का जल निधि में जो संबंध जो होता है, वही कर्म और जीव का होता, बनते दोनों नेता है। कभी कर्म की चलती है, कभी जीव की चलती है। जीव की कब चलती है? जब जीव जीव को जान जाता है, जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा का हित का ज्ञान हो जाता है, जब आत्मा के कल्याण का ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा की चलती है। और जब तक आत्मा को ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ, शरीर कौन है, कर्म क्या है, जब तक इस बात का ज्ञान नहीं है, तब तक तो कर्म की ही चलती है। विशेष रूप से, पूर्ण रूप से चलती रहती है। आत्मा तो बेचारी सोई है, कर्म जहाँ ले जा रहा है वो जाए जा रहा है। जल निधि में जो नाव खेवटिया का संबंध जो होता है, अब मुझे बताओ, नाव में जाते हैं तो जो नाव चलाने वाला है वो नाव को ले जा रहा है या नाव उस चलाने वाले को ले जा रही है? अरे बोलिए ना आप लोग। चलो नाव की छोड़ो, अपने यहीं का प्रैक्टिकल है। कुछ लोग आते, अभी तो यात्री नहीं आ रहे हैं, अभी तो बंद किया हुआ है। जब आते हैं तो कई बार आने के बाद बोलते, माता जी हम बस लेके आए हैं। अच्छा, आप तो बहुत पहलवान हैं, आप बस लेके आए हो। वो सोचते माता जी ने क्या कह दिया। अच्छा, नहीं नहीं माता जी, हम लोग बस में आए हैं। अच्छा, तो मैंने पूछा तुम्हें बस तुम्हें लेके आई है या तुम बस को लेकर आए हो? अब बताओ, नाव खेवटिया वाला तो अभी, क्योंकि अब ज़्यादा नाव का जमाना गाड़ी का आ गया है तो ज़रा नाव कम चलने लगी हैं, पहले नाव का ही सहारा था। तो बस को आप लेकर आए हैं या बस आपको लेकर आई है? बस हमें लेकर आई है? नहीं, आप बस को लेकर आए हो। यदि उसमें ड्राइवर ना हो तो कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। अब हम ये, आपने जो कहा मैंने उसको उल्टा कर दिया, अब आप उल्टा बोलो, मैं उसको उल्टा कर दूंगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। अच्छा, नाव को जब तक नाविक अच्छी तरह से चला रहा है तब तक तो उसकी नाव मंजिल की तरफ जा रही है, तब तक तो उसकी नाव मंजिल की तरफ जा रही है। और नाविक यदि सो जाए फिर नाव कहाँ जाएगी? जहाँ नाव ले जाएगी वहाँ नाविक चला जाएगा, जहाँ बहाव होगा वहाँ चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि नाव को मंजिल तक पहुँचाने के लिए नाविक को जागृत रहना जरूरी है। ठीक ऐसे ही इस आत्मा के कल्याण के लिए, इस आत्मा की को शुद्ध करने के लिए और आत्मा से कर्मों को निकालने के लिए आत्मा को जागृत रहना जरूरी है। और जैसे ही आत्मा सोती है कर्म अपना काम करना शुरू कर देते हैं। औदयिक भाव, पांच भावों में एक भाव है औदयिक भाव। औदयिक भाव का क्या मतलब है? कर्म के उदय में होने वाले भाव को औदयिक भाव कहते हैं। चल रहा है कर्म, क्रोध करा रहा है हम क्रोध कर रहे हैं, कर्म मान करा रहा है हम मान कर रहे हैं, कर्म चोरी करा रहा है हम चोरी कर रहे हैं, कर्म हिंसा करा रहा है हम हिंसा कर रहे हैं, कर्म हमें उल्टी सीधी जगह ले जा रहा हम वो कर रहे हैं, जो कर्म करा रहा वो हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें ब्रेक लगाना आ जाए कि नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे नहीं करना है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। आत्मा जाग गई, यहाँ क्या हो गया? यहाँ आत्मा जाग गई। क्रोध कर्म का उदय तो आया लेकिन आत्मा जागृत थी, आत्मा को कर्म के अनुसार चलने नहीं दिया, पकड़ के बिठा दिया। नहीं, कर्म कह रहा है क्रोध कर नहीं करूँगा, इसमें मेरे ही मुझे ही दुख मिलेगा, इसमें मुझे ही परेशानी मिलेगी, नहीं करूँगा क्रोध। तो कर्म और जीव ये पिछले अनंत काल से
एक साथ चल रहे हैं और आज तक आत्मा सोई हुई थी. कब तक? जो जब जागे तभी सवेरा. तो जब तक आत्मा सोई हुई थी तब तक कर्म ने ना जाने कितने पंच परावर्तन करा दिए संसार में. कहाँ कहाँ ले गया, कहाँ कहाँ घुमाया, कहाँ कहाँ एक इंद्री में, दो इंद्री में, तीन इंद्री में, चार इंद्री में हैं. कितने कितने काल तक वहाँ पड़े रहे, कभी जल में पड़े रहे, कभी अग्नि में, कभी वायु में, कभी वनस्पति में. अनंत काल बीत गए. इस आत्मा को दुख में पड़े हुए, लेकिन अब मिली है मनुष्य पर्याय. इस पर्याय में आत्मा का ज्ञान हो सकता है. और जहाँ हम जितना पिछला हमने दुख भुगता है उसको हम खत्म करने का पुरुषार्थ और प्रयास अब कर सकते हैं. और अभी भी नहीं किया तो फिर वो वापस पंच परावर्तन में पहुँच जाएगी. तो बंधुओं, कर्म जीव को, जीव कर्म को यदि समाधि मरण किया, यदि समाधि मरण किया तो जीव कर्म को अच्छी जगह ले जाएगा. यदि समाधि मरण किया तो, क्योंकि समाधि मरण होश की अवस्था है, जागृत अवस्था है, तो कर्म को, कर्म सांप तो जाएगा ना, फिर जीव ले जा रहा है कर्म को. कहाँ ले जा रहा है? अच्छी जगह ले जा रहा है. और उस अच्छी जगह में फिर क्या होगा? फिर और धर्म करेगा, और धर्म करेगा, और एक दिन समाधि को निर्वाण बना देगा, शरीर ही छूट जाएगा. लेकिन जो जागृत अवस्था में मरण को प्राप्त नहीं हो रहा है, आत्मा को ध्यान करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? मृत्यु. फिर कर्म जीव को ले जा रहा है. कहाँ ले जाएगा? पता नहीं है. तो बड़ी गहरी चर्चा है कर्म और जीव की, बड़ी गहरी चर्चा है. यदि इसको भी 4 घंटे भी चर्चा करते रहें तो शायद ये खत्म होने वाली नहीं है. और इस मोह को तोड़ने के लिए जब तक ऐसी चर्चाएं नहीं की जाएगी तब तक मोह टूटने वाला नहीं है. अभी तो बोलते हुए, सुनते हुए तो याद है आत्मा, जीव, और जरा यहाँ से उठते ही फिर जरा सा किसी ने कुछ कहा, हो गई शुरू है. अभी तो कम से कम तुम्हारा क्षेपशम भाव चल रहा है, सुन रहे हो, अच्छे से ध्यान से सुन रहे हो, सुन भी रहे हो, जान भी रहे हो और मान भी रहे हो कि नहीं, हाँ सही तो यही है, सच तो यही है, करना तो ऐसा ही चाहिए. लेकिन जैसे यहां से उठते हो यदि पुरुषार्थ में कमी आती है तो कर्म अपना काम करना शुरू कर देता है. वैसे आत्मा को जागृत रहने की जरूरत है. सबसे पहले तो किसी भी भजन की 2 लाइनें बोलते हैं, है ना. सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी. भजन कैसे बनाया जाता है? जब तक भजन को आपने पढ़ा तो है, अभी ध्यान से देखा नहीं है भजन को. अब देखो पहले भजन को. इसमें पहले ऊपर 2 लाइनें हैं, है ना. सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना. अब ये 2 लाइनें हो गई. अब जो अंतरा आएगा, अंतरा आएगा इसमें, उसमें 3 लाइनें होंगी. किसी में 4 होती हैं, किसी में 2 मिला के वो तीसरी जो ऊपर से मिलाई जाती वो होती है. तो अब इसमें 2-4 लाइन लेनी है. कैसे लेंगे? छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे. 2 लाइनें हो गई. अलग अलग राग हो गई इसकी. 2 लाइनों की राग अलग है. ऊपर की राग अलग थी, इन 2 लाइनों की राग अलग है. अब इसकी 3री लाइन की राग ऊपर वाली लाइन से मिलेगी. इसकी लाइन जो 3री लाइन है उसकी राग है वो ऊपर वाले से मिलेगी. फिर से देखें. छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में. ऊपर वाली लाइन आ गई. मिट्टी की काया मिट्टी में
जिस दिन समाएगी, आएगी आ गई ना, वो शब्द वही आ गया जो ऊपर था, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। आया समझ में? अरे बोलिए ना, आया कि नहीं आया? इसमें ऊपर की दो लाइन अलग तर्ज की, फिर नीचे के पैरा की दो लाइन है अलग तर्ज की, और जो तीसरी लाइन होगी उसकी तर्ज और उसका जो तुकांत होगा वो ऊपर वाले से मिलेगा। ऊपर दो लाइनों के तुकांत उनके अपने अलग होंगे, और नीचे वाली लाइन का जो तुकांत होगा वो ऊपर वाले के साथ जाएगा, है ना? तो भजन ऐसे बनाए जाते हैं। अब आप पढ़ते हो, तुमसे लागी लगन, बोलिए ले लो अपनी पारस प्यारा, मेटो मेटो, ठीक है? अब ये हो गया। अब इसकी इसका पैरा बोलो। अच्छा, यही सीधे, निश दिन तुम्हें को जपू पर से नेहा तजू जीवन सारा, प्यारा और सारा। अब ये ऊपर वाले की लाइन के साथ ही है ना? इंद्रिय और धर्मेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए, दोनों लाइन एक सी है ना? आशा पूरो सदा दुख नहीं पावे, कदा सेवक थारा, ऊपर आ गए, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी। तो भजन ऐसे बनाए जाते। अब आपको कोई भजन बनाना है, अब आपको भगवान के ऊपर बनाना है भजन, मान लो जहाजपुर वाले भगवान पे भजन बनाना है आपको, तो सबसे पहले उसका मैटर इकट्ठा करो कि आपको भगवान के जो भजन बनाना है उसमें विषय क्या डालना है। भगवान की भक्ति का डालना है, भगवान के स्वरूप का डालना है, भगवान मूर्ति का डालना है, भगवान की सुंदरता का डालना है, भगवान की वीतरागता का डालना, उसको पहले गद्य में इकट्ठा कर लो, और गद्य में इकट्ठा करके फिर उसे पद्य में कैसे लेना है तो वो ले लो, उसको भजन बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलिए ना, आ गई? कल भजन बना के लाओगे? एक भजन तो बनाना कम से कम है। तर्ज कोई भी पकड़ लेना आप, सबसे अच्छी तर्ज यही है, शुरुआत में तुमसे लागी लगन से शुरू करो, इसी के ऊपर ही बनाना। यदि आपने ये भजन एक भजन बना लिया ना, आपका हौसला बढ़ जाएगा, आप लोग को अपने घर की सारी चीज़ अच्छी लगती ना, तो भजन भी अपने हाथ का ही लिखा हुआ गाओ ना, अपने हाथ का लिखा हुआ भजन गाने का मजा ही कुछ और होता है, भले वो टूटा फूटा हो, नकल मत करना, नहीं तो इधर उधर से टिप टाप के लिए, हाँ थोड़ी बहुत भाव वगैरह कई बार नहीं मिलते हैं तो शुरुआत में लेना पड़ते हैं, कोई बात नहीं है, शुरुआत में ले लो आप, लेकिन धीरे धीरे बनाते 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 फिर आपके खुद के निकलने लगेंगे। जैसे पहले दीपक बुझा हुआ हो तो ज्योति पहले जले हुए दीपक से लेनी पड़ती है, फिर अपना जल जाता है तो हम ही हजारों को जला देंगे, है ना? तो ऐसे शुरुआत में थोड़ा आपको भजन सामने रख के, दो चार भजन सामने रख के, और फिर अपना भजन बनाना, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके फिर अपने भाव निकालना, और फिर देखो आप कितना अच्छा भजन बनाएंगे आप, ठीक है? तो आप कल भजन बना के लाएं, यदि कोई बना के लाया तो उसका टीवी में भी आएगा, और जो टीवी में देख रहे हैं यदि आपका भजन बहुत बढ़िया लगा तो यहाँ किसी से गवा दिया जाएगा और वो भी टीवी में आएगा। आप भजन बनाइए, और जो अखबार छपता है उसमें भी आपका भजन छपेगा, आप लिखें ज़रूर, है ना? बोलिए 24 भगवान की।